एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं रियलमी 15 फोन के बारे में। ये कब लॉन्च होने वाला है, ये ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है, तो आज हम इसी फोन के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि इस फोन के ऊपर इतना ज्यादा फोकस इसलिए क्योंकि ये रियलमी की तरफ से आने वाला सबसे सस्ता 5G फोन है जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है। तो वीडियो इसी फोन के बारे में तो है, वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो बात कर लेते हैं इसके कुछ की स्पेक्स की। तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलने वाला है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800 प्रोसेसर, 2.4 GHz का डुअल कोर प्लस हेक्सा कोर प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को 6GB रैम देखने को मिलने वाली है। और इसके रियर कैमरे की बात करें तो लगभग उसमें आप लोगों को 64 प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है। आपको फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है। ये बैक साइड में इसमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो इस फोन की बैटरी बैकअप वगैरह की बात कर लेते हैं कि MAH की बैटरी देखने को मिलने वाली है, वो भी इस प्राइस रेंज पे। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये फोन कब और कितने प्राइस रेंज पर मार्केट में लॉन्च होने वाला है। तो अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलने वाला है 6.4 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। और इसमें एमोलेड स्क्रीन भी देखने को मिलने वाली है जो कि 16Hz की डिस्प्ले होने वाली है जो कि काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस आप लोगों को देगी। चार्जिंग वगैरह की बात करें तो लगभग इसमें आप लोगों को फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो देखने को मिलता ही है। ऊपर से इसमें आप लोगों को 50W की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है जो कि 18 मिनट में आपका फोन 1 से लेकर 100 तक चार्ज कर देगा। आप लोगों को जो USB टाइप पोर्ट देखने को मिलने वाला है वो USB पोर्ट C टाइप में देखने को मिलने वाला है। और एक बहुत ही बड़ी बात और है, इसके जो फिंगरप्रिंट होने वाले हैं वो स्क्रीन के अंदर ही होने वाले हैं जैसे कि OnePlus Nord, और जो कि बाकी सारे सेंसर्स होते हैं वैसे ही सारा इसमें हिसाब किताब रहने वाला है। कुछ नया ज्यादा कुछ देखने को मिलने वाला नहीं है। मेन बात यह है कि ये लगभग चाइना में लॉन्च हो चुका है और इंडिया में हो सकता है कि बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाए अप्रैल या जून में। मेन जो सबसे बात आती है इसकी प्राइसिंग की, ये लगभग 16,000 रुपए में चाइना में लॉन्च हुआ है जो 6GB रैम वाला वेरिएंट है। और अगर हम बात करें कि इंडिया में कितने तक लॉन्च हो सकता है तो लगभग ये, आप इस फोन के प्राइसिंग की बात करें तो लगभग ये जो फोन चाइना में लॉन्च हुआ है वहां पे ये 15,000 से 16,000 रुपए के रेंज में उतरा है। और हम इंडियन मार्केट की बात करें तो लगभग ये 15,000 से 20,000 रुपए के रेंज में यहाँ पर आ सकता है क्योंकि यहाँ पे मोबाइल पे टैक्सेस वगैरह ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे थोड़े प्राइसेस ज्यादा हो सकते हैं। काफी बढ़िया ये फोन होने वाला है और इसकी जो डिजाइन आप लोगों ने देखी काफी तगड़ी होने वाली है। और इसके कलर वेरियंट इसमें आप लोगों को ब्लू और गोल्ड रेड वगैरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को यही तक रखते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग अप्रैल या जून में लॉन्च हो सकता है, तो इस महीने तो इस फोन के आने की कोई उम्मीद मत रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और जाते जाते प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिएगा।